सेवाजवार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के आपका स्वागत करता हूँ उदयपुर लेक सिटी राजस्थान के उदयपुर में हम पहुँचे हैं। अलाइव ब्रेड टीम हमारे साथ है, सलामी जी, कैमरामैन अमित सोयाम, और हम अलाइव ब्रेड टीम पहुँची है उदयपुर। एक्चुअली उदयपुर हिस्ट्री टूर तो नहीं है, बट उदयपुर एजुकेशनल टूर है कि उदयपुर के मोहनलाल यूनिवर्सिटी में हम कंगाली साहब के रिसर्च को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जैसे बोडी में पढ़ा गया उसका प्रेजेंटेशन देने आए, ताकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी को पता चले। अलाइव ब्रेड का पहला कदम था कि कन्नड़ यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था, और अभी हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं मोहनलाल यूनिवर्सिटी उदयपुर। बहुत बड़ी और फेमस यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में हम गोंड कल्चर सभ्यता पूरा वहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, और कंगाली जी का जो रिसर्च है उसको थोड़ा सा लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। ये स्थान है उदयपुर का लेक फतेह सागर, ये स्थान का नाम है फतेह सागर लेक, और देख सकते बहुत बड़ा लेक है, बहुत बड़ा तालाब है। एक्चुअली राजस्थान बोलेंगे तो आपको दिमाग में आएगा रेत, राजस्थान की रेत बहुत मशहूर है। वो लोग बोलते हैं कि पानी की बहुत कमतरता थी, पहले पानी बहुत कम मिलता था, और ये सही भी है। तो इसके लिए जो बारिश का पानी आता है वो ज़्यादा मात्रा में एक जगह रहे, इसके लिए ऐसे लेकों का निर्माण किया गया। ये मैनुअली बनाया गया, ये प्राचीन निसर्ग निर्मित नहीं, ये मानव निर्मित है, मानव ने इसको बनाया। लेकिन राजस्थान में जैसे पानी की कमी होती है, एक्चुअली वैसी पूरे शहर को पानी के लिए दिखे, और बता दूँ उदयपुर में 52 लेक की पूरी सिटी है, इसलिए लेक सिटी बोला जाता है इंडिया में। तो ये वो सिटी है, ये वो स्थान है जिसको आप देख सकते हैं, बढ़िया से आके घूम सकते हैं। तो और बता दूँ, हमारे नागपुर महाराष्ट्र या इधर उधर ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैमरामैन हिल रहा है, वो कैमरा पकड़ के ऐसे हिल रहा है, और हम भी थोड़ा ठंड से ये हो गए। तो अगर आपको उदयपुर में आना है और उदयपुर को देखना है राजस्थान के, तो आपको लेक बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। पीछे में पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा कैमरा, सज्जनगढ़ है वहाँ पे, जो ऊपर में आपको लाइट दिख रहा है ना उसकी चोटी है, सज्जनगढ़ है। तो हम ट्राई करेंगे कल हमारा सेशन होने के बाद कि सज्जनगढ़ को विज़िट करें और सज्जनगढ़ देखें, लेकिन पता नहीं अभी टाइम का मैनेजमेंट क्या होगा, और उस पर डिपेंड है कि 3 तारीख को हमारी फिर से अहमदाबाद गुजरात से ट्रेन है, तो ऐसा पूरा शेड्यूल पैक है। फिर भी हम कोशिश तो करेंगे कि दिखाने की, घूमने की। तो यहाँ तक सलामी जी, आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत, ये बहुत बहुत प्रफुल्लित लग रहा है, लेकिन अभी ठंड बज रही है हमें बहुत ज़्यादा ठंड बज रही है। तो अलाइव ब्रेड के सभी समस्त व्यूअर्स को हम सेवा करते हैं। 2 फरवरी को हमारा गोंडवाना का, हमारा गंड समुदाय का ये गोंडी भाषा दिवस है, और हमारे गोंडवाना के साहित्य अधिपति मोतीराम कंगाली जी का जन्मदिन भी है, जिसको गोंडी भाषा में कहते हैं पुटवाड़ने की। तो यहाँ के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने हमें हड़प्पा लिपि गोंडी भाषा में कैसी पढ़ी गई है, ये इसके लिए उन्होंने हमको न्योता दिया है। तो कल 2 फरवरी को गोंडी भाषा दिवस है, और हमारे गोंडी साहित्याचार्य मोतीराम कंगाली जी का भी जन्मदिन है। तो पूरा संपूर्ण गोंडवाना के जो हमारे मूल वंश गोंडी गण जीव है, गण कोया कुल्प गण जीव है, वो गोंडी भाषा दिवस मनाने जा रहे हैं, और उसी दिन हम उनका ही रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गोंडी भाषा में किस तरह अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ी गई है मोतीराम कंगाली जी के द्वारा, ये हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। सगाजनों बताने की कोशिश करूँगा कल 2 फरवरी, तो 2 फरवरी में सभी जन समुदाय को बताया कि 2 फरवरी गोंडी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो सभी गोंडियन वासियों को मेरी विनंती है कि कंगाली साहब का जो हमारे साहित्य में भर है वो बहुत ज़्यादा है, कंगाली साहब ना लिखे होते तो मेरे ख्याल से हम इतना नहीं कर पाते। मेरे भी आदर्श कंगाली साहब जी हैं, तो उनके जन्मदिन हम जन्म और मृत्यु कैलेंडर के अनुसार तो नहीं मनाते, ये जयंती तो है कल उनकी, लेकिन उनका जो दिन मनाया जाता है वो है गोंडी भाषा दिन। गोंडी भाषा, तो आप ज़रूर अपने अपने एरिया में, आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में मनाओ, आप जहाँ घर में हो तो घर में मनाओ, आप गांव के चौक में मना सकते हो, आप शहर के चौराहे पर मना सकते हो। जी, तो ये दिन जो गोंडी भाषा दिवस है, इस दिन को बचाएंगे तो भाषा भी बचेगी, भाषा भी बचेंगी, हमारी संस्कृति भी। कल हम लोग अलाइव ब्रेड तो
कल प्रेजेंटेशन में रहेगा क्योंकि उसी दिन हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है जी। कि उसी गोंडी भाषा दिन के दिन ही हम हड़प्पा का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जी, तो ये बहुत सुंदर योग का आभार है। लेकिन बाकी जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, झारखंड या सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, सभी को एक ही विनती है, कल गोंडी भाषा दिन है 2 फरवरी, तो आप जरूर से याद रखिए और इस दिन को अपने तरीके से अपने ढंग से मनाइए। और हमें राहुल जी, गोंडी भाषा भी जो मर मिटने के कगार पर है तो उसको भी हमको आत्मसात करना है। बिल्कुल, जैसे कंगाली जी ने गोंडी भाषा शब्द को भाग एक भाग दो लिपिबद्ध करिया है, हिंदी से गोंडी में शब्दों को लिपिबद्ध करिया है, मराठी से गोंडी में शब्दों को लिपिबद्ध करिया है राहुल जी, और गोंडी कड़कयान उन्हें लंबी चौड़ी अर्थात गोंडी भाषा रचना और गोंडी व्याकरण उन्होंने ग्रंथ संपदा हमें कोया कुतुर कोई नहीं तो पूरे विश्व समुदाय के लिए ये प्रदान करिया है, तो ये आप आत्मसात करेंगे ऐसे हम एक आशा रखते हैं। बिल्कुल, तो सभी को यही निवेदन है, हमारा वजूद बचा रहे हैं तो इसलिए ये पहले सोचना है कि भाषा बनी रहे, भाषा बनी रहे तो कल वो दिन है जी। समझ रहे हैं आप, गोंडी भाषा दिन कल है, यानी ये वीडियो मेरे ख्याल से रात में अपलोड हो जाएगा या कल सवेरे, तो जिस दिन अपलोड हो रहा है उस दिन वो है, तो 2 फरवरी को गोंडी भाषा दिन है, तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर अपने एरिया में मनाएं और लोगों को बताएं कि गोंडी कितनी महान है और गोंडी कितनी प्राचीन है। यही पे वीडियो ख़त्म करते हैं उदयपुर लेक के पास, और अगर टाइम मिले तो आप ज़रूर आइए उदयपुर देखने, उदयपुर का लेक देखने, हम तो घूमते ही रहते हैं लेकिन आप भी ज़रूर आइए, विजिट करिए उदयपुर, परिवार के साथ आइए, बहुत बढ़िया राजस्थान है, बहुत फ्रीडम है, बहुत बढ़िया है, आइए ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, जय सेवा, जय जोहार, जय जोशी, जय गोंडवाना, जय।